तो वहीं खबर इंदौर से, जहां इंदौर में अनलॉक के पहले बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय हुआ कि अनलॉक की स्थिति में कोरोना नियंत्रण के लिए जनता और प्रशासन मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही जून महीने की शुरुआत के साथ ही इंदौर शहर और जिला एक बार फिर अनलॉक की ओर बढ़ेगा। ऐसे में कोरोना नियंत्रण एक बड़ी चुनौती रहेगा। इस चुनौती का सामना जनप्रतिनिधि, जिले की जनता और प्रशासन मिलकर करेंगे। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब अनलॉक की तरफ प्रदेश बढ़ने लगा है, तो इंदौर में अनलॉक में कोरोना नियंत्रण एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। ऐसे में प्रभारी मंत्री ने क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ ये बैठक ली है। तो वहीं गुना जिले में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में बड़ी छूट दी जा रही है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छूट दी गई है। हालांकि शहर के बाजार ऑड इवन फॉर्मूले के आधार पर खोले जाएंगे, तो इसके साथ ही अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक जिले में जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। गुना कलेक्टर के अनुसार जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए कम से कम 3 दिन पहले अनुमति लेनी होगी और समारोह में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मेहमानों की सूची आयोजक को SDM कार्यालय में जमा करनी होगी। किसी भी एक स्थान पर 6 से अधिक लोगों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना कर्फ्यू में छूट तो दे दी गई है, कुछ रियायतें तो दे दी गई हैं, लेकिन अभी भी सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करना होगा।